हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बात करेंगे कुछ क्वेरीज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कुछ समय से कुछ क्वेरीज आ रही थी मेरे कुछ व्यूअर्स की कि उन्हें परेशानी हो रही है रोड टैक्स पे करने में, और पेंडिंग पेमेंट्स पेमेंट जो है वो पेंडिंग जा रही है, और उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो उस चीज़ को कैसे टैकल करें और उस चीज़ को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रोड टैक्स होते कितने तरीके के हैं। तो बेसिकली रोड टैक्स जो कोई एक टैक्स पेयर या एक ट्रांसपोर्टर भरता है, वो दो तरीके के टैक्स भरता है। सबसे पहला टैक्स होता है एक स्टेट टैक्स, और दूसरा टैक्स होता है बॉर्डर टैक्स, या उसे हम चेक पोस्ट टैक्स भी बोलते हैं। स्टेट टैक्स क्या होता है? स्टेट टैक्स वो टैक्स होता है जो वो अपने होम स्टेट को पे करता है फॉर यूजिंग देयर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और बॉर्डर टैक्स कौन सा टैक्स होता है? बॉर्डर टैक्स वो टैक्स होता है जब आप अपनी कमर्शियल गाड़ी को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट की बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस केस में आप जिस स्टेट की बॉर्डर को में आप एंटर कर रहे हैं, उस रिस्पेक्टिव स्टेट को आपको एक रोड टैक्स चुकाना पड़ता है। तो बेसिकली हमें दो रोड टैक्स होते हैं। अब उसमें भी केसेस हो सकते हैं तीन, बेसिकली पेंडिंग पेमेंट के केस में। अगर जो हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो वो सवाल पूछते हैं, वो ये नहीं बताते कि वो कौन से स्टेट का टैक्स भर रहे थे, या फिर वो स्टेट टैक्स भर रहे हैं या वो बॉर्डर टैक्स भर रहे हैं, इसका मैं उन्हें शायद सही से जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे पूरी शुरुआत से बात कर रहे हैं, ताकि जो ये देख रहे हैं और जिनकी ये क्वेरी भी हो सके, ताकि वो पूरी अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि दो तरह के टैक्स हो सकते हैं, स्टेट टैक्स और बॉर्डर टैक्स। स्टेट टैक्स में भी यहाँ पर दो केसेस होते हैं, और दोनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं पेंडिंग पेमेंट को क्लियर करने के। एक होता है दिल्ली सिक्किम स्टेट के लिए अलग प्रोसेस होता है पेंडिंग पेमेंट को क्लियर करने का, और दूसरा जो होता है मतलब अदर स्टेट का, मतलब कि 29 स्टेट्स में से 27 स्टेट्स के लिए एक प्रोसेस है और दिल्ली सिक्किम के लिए दूसरा प्रोसेस है। तो अभी जो मैं आपको एक एग्जांपल वीडियो देके हम एक पेंडिंग ट्रांजेक्शन को क्लियर करेंगे, वो एक यूपी रजिस्टर्ड गाड़ी है, और वो स्टेट टैक्स का एग्जांपल है कि मतलब कि उन्होंने स्टेट टैक्स पे करते वक्त कुछ एरर की वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाई, इसके वजह से वो पेमेंट पेंडिंग में चली गई। तो हम ये सीखेंगे कि आज अगर जो आप एक स्टेट टैक्स भर रहे हैं और वो अदर स्टेट में आता है, मतलब दिल्ली और सिक्किम को छोड़ के दूसरे स्टेट में आता है, तो हम उस केस में कैसे वो पेमेंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हुई। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि बहुत बार क्या होता है कि आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो टैक्स पे करते वक्त आपकी पेमेंट कट जाती है, मतलब कि आपकी पेमेंट बैंक से डिडक्ट हो जाती है, लेकिन आपको साइट में वो पेमेंट जो है पेंडिंग दिखा देता है। और पेंडिंग जब आप क्लियर करेंगे दो घंटे के बाद भी, वो आपको फेल दिखा देगा। तो मीन टू से कि आपके अकाउंट से भी पेमेंट कट चुकी है और साइट ने भी आपकी ट्रांजेक्शन को फेल दिखा दिया है। तो उस केस में आप फंस जाते हैं, क्योंकि ना आपको रसीद मिलती है किसी भी तरह की, और आपके अकाउंट से भी पैसे कट जाते हैं। उस केस में आपको आप चिंता मत कीजिएगा, अगर ऐसा कोई केस आपके साथ में होता है तो उस केस में आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर जो ऐसा केस होता है, सिंपल आप अपने बैंक को कॉल कीजिए, उन अपनी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराइए, और कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद लगभग कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में आपका जो पेमेंट कटा है, वो पेमेंट वापस से आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल और अगर जब इमरजेंसी में आप चाहते हैं कि टैक्स रसीद चाहिए, तो आप सिंपल एक दूसरी ट्रांजेक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाएगी क्लियरली, और आपको वहाँ से रसीद मिल जाएगी, और जो पैसा आपका फंसा हुआ है वो लगभग 10 से 15 दिन के बीच का आप वेट कीजिए, वो पैसा आपको वापस रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, इन केस कि अगर जो आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और रसीद नहीं मिलती है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और चलिए ये तो भी एक बात, अगर जो आप मुझसे दिल्ली और सिक्किम स्टेट के लिए केस के लिए बात करेंगे, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि
कि आप कैसे दिल्ली और सिक्किम स्टेट के केस में अपनी पेंडिंग ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक होते हैं पेंडिंग पेमेंट और एक होते हैं पेंडिंग एट बैंक साइड। बैंक साइड का मतलब एक ही चीज़, एक ही बात होती है, ऐसा नहीं है कि वो उसने आपको कि बैंक ने आपका पैसा काट लिया है, वो हमेशा आपको यही दिखाएगा कि पेमेंट पेंडिंग पेमेंट एट द बैंक साइड। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब एक केस सेम ही होता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दो जो व्यूअर्स ने कमेंट करके यही पूछा है कि पेंडिंग एट बैंक साइड क्या होता है या फिर उसमें क्या इशू होता है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। और तीसरा होता है बॉर्डर टैक्स। बॉर्डर टैक्स के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना था कि इन केस अगर जो आप बॉर्डर टैक्स के लिए पेंडिंग पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते। तो चलिए और ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, कैसे हम अदर स्टेट के केस में अपनी पेंडिंग पेमेंट को कैसे क्लियर आउट कर सकते, कैसे अपनी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं परिवहन की। हमने खोली अपनी साइट parivahan.gov.in। फिर उसके बाद हमें ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में जाके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अगर जो हमारा जो टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है वो दिल्ली और सिक्किम स्टेट का के लिए है तो ये दबाएंगे, और अगर जो दिल्ली और सिक्किम से अलग कोई स्टेट है तो हम उसके लिए ये वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हमें जाना होगा अपना स्टेटस पे जाके, यहाँ पे हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेक पेंडिंग ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है ट्रांजेक्शन नंबर का और दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो मीन टू से अगर जो हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर होगा, मतलब कि जब हम टैक्स काट रहे होंगे तब हमें एक ट्रांजेक्शन नंबर दिया जाता है। अगर जब वो ट्रांजेक्शन नंबर हमने नोट किया था तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे तो ट्रांजेक्शन नंबर हम निकाल भी सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ट्रांजेक्शन नंबर अगर जो आपने नोट नहीं भी किया है तो वो ट्रांजेक्शन नंबर आप कहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जब आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर नहीं भी है तो भी हम ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके भी हम अपना जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और हमारा चेजी नंबर चाहिए होगा। चेजी नंबर का भी स्पेसिफिकली आखिरी के 5 लेटर्स या 5 डिजिट चाहिए होंगे हमें, जो कि हमें यहाँ पे फिल करके उसको प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले अगर जो मान लीजिए हमारे पास जो गाड़ी है जिसका हमें टैक्स क्लियर करना है या ट्रांजेक्शन क्लियर करनी है वो है और चेजी नंबर होगी हमारे पास, और इसको यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा बटन शो डिटेल्स का, उस पर क्लिक करेंगे। जो ट्रांजेक्शन हमारी पेंडिंग में है वो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ये हमारा गाड़ी नंबर है, ये हमारी पेंडिंग अमाउंट है और ये डेट है जिस डेट को हमने ये ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की थी। तो इसको हमें क्लियर करना है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इस ट्रांजेक्शन आईडी पर जाके इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कुछ और डिटेल सामने आ जाएंगी हमारे। इस पर जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक टू बैंक। तो इसके बाद हमें यहाँ पे करना है कंफर्म पेमेंट, और जैसे ही कंफर्म पेमेंट करेंगे हमें देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ गया है कि ट्रांजेक्शन ऑफ दिस, जो हमारा ट्रांजेक्शन नंबर ये है,
अगेंस्ट व्हीकल नंबर आ गया हमारा हैज़ बीन फेल्ड, फेल दिखा दिया है। इसका मतलब हमने जो ट्रांजेक्शन जो हमारी पेंडिंग में पड़ी हुई थी वो क्लियर हो चुकी है और अब हम रेडी हैं कि अपनी दूसरी या फ्रेश ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं और सक्सेसफुली प्रोसीड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। तो गाइज आज की वीडियो हो गई है बहुत लंबी और उसके लिए मैं चाहता हूँ क्षमा, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ और शायद हो भी गए होंगे। और आई होप आपको ये पूरी वीडियो पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर जो आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है और कुछ कोई बात है जो समझ में नहीं आई और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके क्वेरीज का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलते चलते एक और बात मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि कुछ व्यूअर्स की समस्या होती है कि पेमेंट बार बार फंस रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको उसके लिए बता दूं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर जो आप जो टैक्स काट रहे हैं वो अपने मोबाइल नेटवर्क से काट रहे हैं, मीन टू से कि चाहे वो अपना मोबाइल में काट रहे हों या लैपटॉप में काट रहे हों, जो नेटवर्क जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका मोबाइल नेटवर्क है, तो उस केस में आपको कुछ परेशानियाँ दिख सकती हैं और आपको दो तीन चार बार ट्राई करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो आप ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको वो परेशानियाँ देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं। तो वो लोग जो ये जानना चाहते थे कि बार बार इशू क्यों आता है और फेल क्यों होता है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों इशू आता है और कैसे आपको सॉर्ट आउट कर सकते। तो चलिए आई होप आपको वीडियो देख कर मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कुछ वाइटल एंड बहुत ही इंफॉर्मेशन जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा।